जीवन मंत्रा योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिसके संगम से आपका जीवन बनेगा सुंदर, स्वस्थ, निरोग और संपन्न। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक विश्वसनीय चैनल है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिनको अपनाकर आप अपने पेट में गैस बनने की बीमारी से बिल्कुल निजात पा सकते हैं। लोग बड़े परेशान रहते हैं कि उनका पेट ठीक नहीं रहता, उन्हें गैस बनती है और इसके कारण उन्हें भूख नहीं लगती, और जब आप खाना नहीं खाएंगे तो तरह तरह की बीमारियां और लग जाती हैं। पेट की गैस को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, इसके लिए ये उपाय कर लें, आपके पेट की गैस की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। आइए तो जान लेते हैं कि आखिर ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपकी गैस की बीमारी को दूर कर सकते हैं। अजवाइन लीजिए करीब 10 ग्राम, उस अजवाइन पर नींबू निचोड़िए और अजवाइन को सुखाने रख दीजिए। उसके बाद इस सूखी हुई अजवाइन को पीस लीजिए, मिक्सी में ना पीसें, हाथ से पत्थर पर ही पीसें। पीसी हुई इस अजवाइन में पिसा हुआ काला नमक और हींग को पीस कर मिला दें, ये एक चूर्ण बन जाएगा। इस चूर्ण को जब भी पेट खराब हो एक चम्मच पानी के साथ ले लिया करें, तुरंत ही आपको राहत मिलेगी। ये घर पर ही एक ऐसा चूर्ण बनाने का तरीका है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, बाजार में मिलने वाले चूर्ण से 1000 गुना बेहतर है। आपके पेट को ठीक करने का एक बहुत ही काम का नुस्खा है, वो ये कि आप एक गिलास पानी में घर पर पिसी हुई 6 या 7 काली मिर्च डालें और उस एक गिलास पानी में एक नींबू निचोड़ लें पूरा, और उस एक गिलास पानी को पी लें। ऐसा एक हफ्ते रोजाना करने से आपके पेट की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगे, गैस बनना दूर हो जाएगी। क्या आपको पता है कि प्याज वैसे तो गैस और एसिड बनाती है, लेकिन आपने कभी प्याज के अचार के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो सुनिए कि प्याज का अचार खाने से पेट की गैस की बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। तो किसका वेट कर रहे हैं? हमारे बताए नुस्खों के लिए सामान खरीद कर लाओ और गैस की बीमारी दूर भगाओ। जीवन मंत्रा में आज इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप भविष्य में इस तरह के वीडियोस यूं ही देखते रहें।